अरावलीधर थाना पुलिस ने एटीएम उखाड़ने की वारदात को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश 1 दर्जन से ज्यादा एटीएम उखाड़ चुके हैं। इनके कब्जे से 1 देशी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इनमें से 1 बदमाश पर यूपी के आगरा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। अरावली विहार थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कटी 3 बदमाश वहां पहुंचे हुए हैं। वारदात से पूर्व रैकी कर रहे हैं, जिनके पास हथियार भी हैं। इस सूचना के बाद अरावली विहार थाना पुलिस व डीएसटी टीम मौके पर पहुंची और वहां खड़े 3 युवकों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में विभिन्न राज्यों में 13 एटीएम उखाड़ने की बात कबूली है। इसके साथ ही अनेकों अन्य वारदातों में भी ये लोग शामिल रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों में हरियाणा के नू मेवात जिले के नगीना थाना क्षेत्र के भादस निवासी जाबिर उर्फ मुल्ला उर्फ जमील मेव और रामगढ़ अलवर के लावड़ा निवासी सुंदर उर्फ गोयल और झिरका फिरोजपुर हरियाणा निवासी कंवरपाल सैनी शामिल हैं। इनके कब्जे से 1 देशी कट्टा 2 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। इसमें शामिल बदमाश जबीर एटीएम उखाड़ने का मास्टरमाइंड है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में एटीएम उखाड़ने के मामले में आगरा पुलिस के एसपी ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। जबीर व कंवर पाल कई मुख्य वारदातों में शामिल रहे हैं। इसमें मुख्यतः रुड़की में हाईवे पर 20 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ा गया। वहीं मथुरा में 19 लाख, जयपुर के कानोता में 19 लाख, चंदवा जी जयपुर में 23 लाख और पटौदी से करीब 4 लाख रुपए, नजगढ़ से 15 लाख रुपए से भरे एटीएम उखाड़े। इसके अलावा भी भरतपुर के बयाना, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली के द्वारका से और गुड़गावा में सेक्टर 10 से भी एटीएम उखाड़ने की वारदात में ये लोग शामिल रहे। कल दिनांक 10/12/2020 को श्री उमर दीन जी हेड कांस्टेबल, मैं डीएसटी टीम करतार राम कुमार प्रसाद मोहम्मद, इनको सूचना लगी कि कट्टी घाटी SBI ATM पर 3-4 संदिग्ध बदमाश मोटरसाइकिल लेकर खड़े हुए हैं, जो कोई भी वारदात करने की फिराक में। इस पर ये वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर इनको 3 व्यक्ति मिले, 1 मोटरसाइकिल मिली, जो भागने लगे। उन्होंने बामुश्किल काबू किया उनको, इनको लेकर आए। मोटरसाइकिल के बारे में पूछा, मोटरसाइकिल चोरी हो नहीं पाई। इनकी तलाशी ली गई तो इनमें से नियाजू उर्फ निजाम मुल्ली उर्फ जाबिर, इसके पास देसी कट्टा 315 बोर, अन्य 2 सुंदर और कंवरपाल, इनके पास एक एक जेब में कारतूस मिले, जिनको लेकर थाने पाए, गिरफ्तार किए गए, जिनसे तफ्तीश जारी है। इन्होंने अपनी तफ्तीश में उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में 10/10/12/12 एटीएम लूट, एटीएम को उखाड़ कर ले जाने संबंधी अपने पूछताछ में बताया है। विस्तृत पूछताछ जारी है। आज इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिनका 2 दिन का पीसी रिमांड हासिल किया गया है।